हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र राजावत और आज हम देखने वाले हैं हमारे क्लास 8 नवोदय बैच का लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 10 में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हमारा रेशनल नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले के जो 9 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उन लेक्चर्स को देख लीजिए, उसके बाद में लेक्चर नंबर 10 को देखना स्टार्ट कीजिए, जिससे कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट अच्छे से पहले क्लियर हो जाएंगे और इन चीजों को समझने में आप लोगों को बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ 8 एग्जांपल्स लिखे। 8 एग्जांपल्स के थ्रू ही मैं क्या करूंगा, आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूंगा, साथ में कुछ शॉर्ट ट्रिक के मतलब शॉर्ट फॉर्म में कैसे आंसर निकाला जाता है वो भी हम इसी लेक्चर में देखने वाले हैं। तो देखो, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये दो दो हमारे को क्या दे रखे हैं, रेशनल नंबर्स दे रखे हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहले तो मल्टीप्लाई करने का रूल है वो ध्यान रख लो आप लोग। क्या करना है हमें, जो न्यूमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई करना है न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर से। और ये भी ध्यान रखना है ये सब चीजें क्या होगी, विद साइन होगी। इसका मतलब अगर एक पॉजिटिव नंबर है उसको पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पॉजिटिव आएगा, एक नंबर नेगेटिव है उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। एक प्लस का नंबर है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो या नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब ऑपोजिट साइन है दोनों, तो नेगेटिव आएगा, सेम साइन है तो पॉजिटिव आएगा। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ये अगर याद रहता है तो आप लोग कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। और एक चीज और ध्यान रखनी है, जो फाइनल रिजल्ट है उस फाइनल रिजल्ट को क्या लिखना है, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। फाइनल रिजल्ट हमेशा क्या होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि दोनों का एचसीएफ 1 आना चाहिए, न्यूमिनेटर का और डिनोमिनेटर का, यानी दोनों आगे फर्दर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होने चाहिए। और साथ में हमारा जो डिनोमिनेटर है उसको हमें क्या रखना है, नेगेटिव आ रहा है तो उसको पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। तो देखिए, इनको मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल मैंने बताया, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो। तो 3 को 7 से, ये प्लस का ये माइनस का, इसलिए माइनस का आएगा, 3 7 जा 21 आएगा। ऐसे ही 5 को 8 से करेंगे, दोनों प्लस के, इसलिए प्लस का आएगा, 5 8 जा 40। अब इसके बाद में ये देखना है कि क्या दोनों किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। तो देखो, आप यहाँ देखोगे तो ये दोनों किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, सेम नंबर से। तो यही हमारा क्या हो गया, फाइनल रिजल्ट हो गया। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है। फिर आगे देखो, सेम यही चीज हमें करनी, तो माइनस प्लस माइनस 95 जब 45 आएगा, डिवाइड बाई 2 ये भी प्लस का, ये भी प्लस का है, प्लस का आएगा, 24 जब 8 आएगा। अब अगर ये भी आगे फर्दर सोल्व हो रहा तो उसको आगे सोल्व करोगे, अदरवाइज ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब यहां देखो, इसको करने के दो तरीके। एक तो तरीका है जो हमने अभी समझाया कि न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम लिख लेंगे। साइन का ध्यान रखना, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, माइनस माइनस को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो पॉजिटिव आता है, 65 से कितना आएगा, 30 आएगा। फिर 11 को 3 से करेंगे, 33 आएगा। अब ये देखना है क्या दोनों किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। तो देखो, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से 10 टाइम डिवाइड हो रहा है, ये 3 से 11 टाइम। तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल रिजल्ट है। एक आप शॉर्ट तरीका भी फॉलो कर सकते हो, क्या तरीका है, देखो ये देखो डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में अगर क्रॉस में भी ये करना हो तो ये आपस में डिवाइड हो जाते हैं। मतलब क्या बोला कि -6/11 × -5/3, तो 3 × 3 ये ऊपर नीचे और ये भी आपस में इसको क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते, 3 × 3 और 3 × 2 = 6 हो गया। अगर डिवाइड हो रहा है तो ही करोगे, अगर नहीं हो रहा है तो उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। फिर क्या होगा, आप सिंपली मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस होगा जो लिखने की जरूरत नहीं है, 2 × 5 = 10 होगा और 3 × 1 = 11 होगा। देखो ये रिजल्ट आएगा, तो इससे क्या होगा, आप लोगों को मल्टीप्लाई डिवाइड करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये भी तरीका फॉलो कर सकते हो। तो मैं अब आगे आने वाले क्वेश्चंस को दोनों तरीके से नहीं करवाऊंगा, केवल इस शॉर्ट तरीके से करवा रहा हूं, आप लोग करना कि प्रॉपर तरीके से कैसे किया जाए। तो देखो, पहले ढूंढो कहीं से डिवाइड हो रहा है क्या। तो देखो, 5 × 5 5 × 2 = 10, ध्यान रखना न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर ही ऐसे सोल्व होंगे, ऐसे नहीं होगा कि इन दोनों को हमने आगे सोल्व कर दिया और या इन दोनों को आपस में वो डिवाइड कर दिया, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में होंगे तो ही होंगे, ठीक है। और देखो यहां पे 3 × 1 = 3 और 3 × 4 = 12। अब ऊपर देखो क्या बचा, -4 × 2 नीचे 1 × -1 यही बचा, सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, माइनस माइनस
माइनस प्लस माइनस का 8 आ गया और नीचे माइनस का 1 आ गया और माइनस माइनस ये मैंने बताया आप लोगों को कि अगर कोई नंबर माइनस का p माइनस का q दे रखा है तो ये एक्चुअल में p बाई q लिखा जा सकता है और नीचे 1 लगाने की जरूरत नहीं होती, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया 8 आ गया। इसको भी हम सोल्व करना है, तो देखो 3 1 3 3 3 9 ये 5 2 10 और 5 5 25, तो ऊपर 5 1 5 बना, नीचे क्या बना माइनस और माइनस प्लस 3 2 6 बन गया। आप चाहो तो एक स्टेप और बना सकते हो, ये हो गया और यहाँ पे माइनस 3 को मल्टीप्लाई करना है माइनस के 2 से, ठीक है, तो यहाँ कितना होगा 5 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 2 6 हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो देखो आगे यहाँ करते तो डिवाइड हो रहा है, देखो 13 1 13 13 2 26 आ गया, फिर 5 3 15 और 5 5 25, तो ऊपर क्या बचा माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस का 5, नीचे क्या बचा 3 मल्टीप्लाई 2, माइनस माइनस प्लस होगा 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा और 3 2 6 होगा। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। उसके बाद में ऐसे एग्जांपल को देखते हैं, तो देखो कुछ डिवाइड हो रहा है, तो देखो यहाँ ये 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 से 2 टाइम, 7 से 3 टाइम डिवाइड हो गया, तो अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो देखो अब आगे ये भी हो रहे हैं क्या, ये कुछ भी नहीं हो रहा आगे, तो 16 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा 16 मल्टीप्लाई 2 और नीचे क्या है माइनस 3 मल्टीप्लाई 5, तो ऊपर हो गया 32 और नीचे कितना हो गया माइनस का 15। लेकिन मैंने बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखना है हमारे को, तो अभी यहाँ पे नेगेटिव नीचे आ रहा है, आप चाहो तो यहीं तक छोड़ सकते हो, ये भी हमारा सही है, तो इस नेगेटिव को ऊपर भी लिखा जा सकता है, ये भी ध्यान रखना कि अगर माइनस पी अपॉन क्यू दे रखा है या पी अपॉन माइनस क्यू दे रखा है ये दोनों सेम है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं कि माइनस 32 अपॉन 15 भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो सकता है और करके लगा देना कि ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। आई होप ये चीज भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसको कैसे सोल्व करें, तो यहाँ पे 48 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो हम क्या मान लेते हैं कि 48 के डिनोमिनेटर में 1 मान लेते हैं, तो अगर डिवाइड देखो आपको अगर 24 की टेबल आती है तो डायरेक्ट 24 से डिवाइड करके देख सकते हो, या आप चाहो तो छोटे नंबर से भी करके देख सकते हो, जैसे ये 4 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 से 12 टाइम डिवाइड हो गया, ये 4 से 6 टाइम डिवाइड होगा, फिर ये 6 से 1 टाइम डिवाइड होगा, ये 2 टाइम डिवाइड होगा, अगर आपको 24 की टेबल आती है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखो ऊपर तो बचा 7 मल्टीप्लाई माइनस का 2 और नीचे बचा 1 मल्टीप्लाई 1, तो ऊपर हो गया माइनस 14, नीचे हुआ 1 और नीचे 1 लगाने की जरूरत नहीं होती, तो माइनस 14 क्या हो गया हमारा रिजल्ट हो गया। आई होप ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसको भी आप पोस्ट करके नोट कर लीजिए। इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है, एक ये बहुत ही छोटा लेक्चर था, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिवीजन को कवर करने वाले हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, और आप लोगों की कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, कोई क्वेरी है, तो वो भी हमें आप कमेंट करके बता सकते हो। इसके साथ ही अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, और जिससे कि आगे आने वाले सभी लेक्चर्स के आप लोगों को नोटिफिकेशन एडवांस में मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।